नाड़ी ज्योतिष क्या चीज है कैसे काम करती है नाड़ी ज्योतिष नाड़ी एक बहुत ही जैसे डॉक्टर देखता है नाड़ी की परीक्षा करता है यानी कि हमारे नशों की परीक्षा करता है नशों का एनालिसिस करता है उससे हमारे बिना टेस्ट के बिना किसी जांच पड़ताल के हमारी बीमारी को फाइंड आउट करने में सक्षम होता है वो डॉक्टर जो है नाड़ी बेसिकली जो हमारी वेन्स होती है उसका डॉक्टर माना गया इसी प्रकार नाड़ी को अगर हम ग्लेट करें इस नाड़ी में ऐसा डॉक्टर और नदर में ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो कि ग्रह की, की स्थिति के अनुसार ये बता सके कि जीवन में क्या चीजें घट सकती हैं और क्या घटना कर सकती है उसकी एक विंडोज क्रिएट हो जाए और वो क्लैरिटी आ जाए जितनी चीजें हमारे पास उपलब्ध हो उन उपलब्ध चीजों के बेस के ऊपर अगर हाँ कोई चीजें कोई फलित हो सकता है तो नाड़ी ज्योतिष में सबसे आसान तरीका हो सकता है क्योंकि नाड़ी ज्योतिष बहुत ज्यादा डिटेलिंग के लिए नक्षत्र या अंशों के माध्यम तक जानने की जगह पे सिर्फ ऊपर से प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से की जा सकती है इसका मतलब ये है कि इसमें नक्षत्रों अंशों का कोई महत्व नहीं है ऐसा नहीं है नाड़ी ज्योतिष के अंदर अंशों का और नक्षत्रों का बहुत महत्व है भिघु ऋषि जो हुए हैं उन्होंने नाड़ी ज्योतिष की जो रचना करी है नाड़ी संहिता की जो रचना करी है उस संहिता के अंदर उन्होंने ये दर्शाया है इस धरती पे जितनी भी जीव आत्माएं जन्म लेती हैं उनकी कुंडलियां उन्होंने सबकी दर्जित कर रखी है पहले से ही बना के इसलिए भिगु संहिता का बहुत बड़ा अत्यंत इसका इंपॉर्टेंस है द रीजन इज दैट उन्होंने बारह राशि बारह भाव सत्ताईस नक्षत्र नव ग्रह और उनके अंशों के माध्यम से बनने वाली हजारों सैकड़ों लाखों अरबों कुंडलियां जो बन सकती हैं, वो उसके माध्यम से बना के ऑलरेडी दर्जित कर रखी हैं। इसलिए भेगु संहिता के अंदर हर प्रकार के जीव की कुंडलियां इसके अंदर आ जाती हैं और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है